Hi friends, welcome to session of Health Talk. Here we are sitting with Dr. Debashish Chanda. He is an orthopaedic surgeon working at GNH hospital and I am Jyoti Agra. आपने क्या हम सबने काफी डॉक्टर्स पे हम गए होंगे when it comes to knee pain or post surgery. बहुत सारे orthopaedic surgeons के पास हम जब जाते हैं तो वो आपको मेडिसिंस पे रख देते हैं. वो कभी नहीं बोलते कि आप जाके एक्सरसाइज करिए, फिजियोथेरेपी कराइए. यहाँ पे हमारे साथ है डॉक्टर देवशीष चंदा. आई टेल यू वन थिंग, ही इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एक्सरसाइजेस प्लस फिजियोथेरेपी. तो इनकी मुंहबानी सुनते हैं कि ये क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड. डॉक्टर देवशीष, अगेन तुमने बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर्जरी के बारे में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस बात में, इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग कहीं मार्केट में जाते हैं और 100 रुपए में सामान खरीदते हैं, तो अगर आपको 100 रुपए का सामान में 50 रुपए का सामान मिल रहा हो तो आप कभी हैप्पी नहीं हो. सो अगेन ये नी रिप्लेसमेंट या कोई भी नी सर्जरी के बाद अगर हम फिजियोथेरेपी को ऐड नहीं करेंगे तो गेट 50% 60% 100%. फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि नी सर्जरी के बाद या नी पेन के बाद जरूरी होता है. तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, हम 100% ही हम कम क्यों. अब बात आती है क्या, व्हाट इज नी फिजियोथेरेपी. बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ वो मशीन्स लगानी, ये लगानी. फिजियोथेरेपी डजंट ऑलवेज मीन्स कि मशीन से ही फिजियोथेरेपी हो. फिजियोथेरेपी ऑल्सो मीन्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस. यू विल वंडर कि इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस करके भी हमारा नी पेन जा सकता है. एकदम बेसिक लेवल की 3-4 एक्सरसाइजेस है जिनमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, VMO स्ट्रेंथनिंग, एंकल फुट टॉप एक्टिव एक्सरसाइजेस. इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस बैठे बैठे भी 10-15 मिनट में एक्सरसाइजेस कर सकता है. इसके लिए ऐसा नहीं कि मुझे जिम की जरूरत है, जाना है और किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ही सीखूँ. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है. डेफिनेटली हाँ, फिजियोथेरेपी के बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जिनके लिए आपको जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास. डिफरेंट नी प्रॉब्लम में डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती है. कुछ में कुछ चीज़ें कराते हैं, कुछ में एडॉप कराते हैं. बट अगर हम बेसिक करें तो हम एडवांस तक कभी भी शिफ्ट ओवर कर सकते हैं. सो बेसिक्स तो मैं मेरे हिसाब से हर एक पर्सन को करना चाहिए जिसको नी की प्रॉब्लम है, चाहे वो पेन है, चाहे वो क्लिकिंग साउंड है, चाहे वो सीढ़ी चढ़ने में तरने में दिक्कत आती है, चाहे वो साइकिलिंग में दिक्कत आती है, चाहे वो चलने में उनको डिफिकल्टी आती है, लचक आती है. इन चीज़ों के लिए कम से कम बेसिक नी एक्सरसाइजेस आर मस्ट. तो कितना ड्यूरेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए या कितने सेट्स होने चाहिए. तो एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, 4-5 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनमें हम जिनको अगर दिन में एक बार है 15-20 मिनट अगर लग के उसी को एक्सरसाइज कर लें, दैट इज सफिशिएंट. हाँ, आप अगर ज़्यादा करते हो, आधा घंटा 45 मिनट लगाते हो, सुबह शाम करते हो, डेफिनेटली आपको बेटर मिलेगा. सो आई डोंट थिंक सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स. Thank you, Dr. Debashish, for telling us about knee exercise. Thank you so much.